नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री का जन्मदिन और दिवाली के संयोग से बधाइयों का सिलसिला आम हो गया। बधाई और शुभकामना देने वालों का तांता मंत्री जी के घर लग गया। इसी बीच सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग अपने साथियों के साथ मंत्री तुलसी सिलावट के घर पहुंचे और अपने सेवा भाव के मकसद को बरकरार रखते हुए मंत्री जी के जन्मदिन और दिवाली की खास मौके पर विकलांगों को ट्राइसिकल भी मंत्री जी के हाथों भेंट कराई। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जनता, कार्यकर्ताओं और नेताओं का मुंह मीठा कराते भी नजर आए। इस अवसर पर विधानसभा से आने वाले चहेतों ने पुष्पमाला पहनाने और केक काटने का सिलसिला देर तक चलता रहा। इसी बीच मांगलिया से आए कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री को ड्राई फ्रूट से तोला। कार्यकर्ताओं का दिवाली मिलन समारोह भी इस अवसर पर संपन्न हो गया। इस मौके पर सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग, प्रमोद टंडन, प्रकाश तिवारी, रियाज खान, याकूब खान, मनोज मिश्र, पप्पू शर्मा, योगेश गेंदर, राजेश पांडे, रियाज लाहौरी, फारूक पठान, रविश पचौरी, शकील खान, यूनुस खान, ललित मंत्री गोविंद सिंह, हुकुम सांखला, दिलीप चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम देख रहे हैं तुलसी सिलावट जी के घर पर अपने यहाँ पर ट्राइसिकल भेंट की। प्रदेश के लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी का जन्मदिन है, जो आज सर्वधर्म संघ के बिना तले ट्राइसिकल का वितरण किया गया उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और दिवाली के शुभ अवसर पर पूरे माँ अहिल्या के नगरवासी और प्रदेशवासियों मेरी ओर से और सर्वधर्म की ओर से बहुत बहुत शुभकामना दिया। दिवाली का उत्सव है, देखा जा रहा है मुस्लिम धर्म के भी काफी संख्या में लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश? जी हमारे बड़े भाई हैं, तो दिवाली का त्यौहार सभी का त्यौहार है और सर्वधर्म एकता का परिचय दिवाली के त्यौहार से मिलता है, जो हिंदू मुस्लिम से मिलने जाता है और मुस्लिम हिंदू से मिलने जाता है। तो ईद और दिवाली एक सरी का त्यौहार है। ये त्यौहार आपसी भाईचारा और प्रेम का त्यौहार। आपका नाम? मंजूर बेग, अध्यक्ष सर्वधर्म संघ। टाइम न्यूज़ देखिए